मिर्ज़ा जीटी लाइन के हमने काफ़ी वीडियोस देखे, हम आज प्राउडली आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं इंडिया की पहली ब्रेज़ा। ये एलेक्साई मॉडल है, इसका बेस मॉडल है, इसको ग्रैंड ब्रेज़ा में हमने अपडेट किया है। ये गाड़ी में जो पूरा लुक है 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स के साथ है दोस्तों। किस तरीके से आप इसका अगर टॉप मॉडल भी खरीद लेंगे ZXI प्लस जो 14 लाख रुपए की पड़ती है, वो गाड़ी में भी 16 इंच के ही टायर आपको लग के आते हैं। बट ये कार में एक स्टेप और आगे, यानी ग्रैंड विटारा गाड़ी के जो 17 इंच के मारुति के जेन्युइन अलॉयज़ हैं हमने इंटीग्रेट किए हैं। वाइट कलर की ब्रीज़ा पे जब ये अलॉयज़ लगते हैं, टायर का प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं, 215/60R17 आपको उसके अंदर मिलता है। पूरा जो लुक है एकदम चेंज हो जाता है गाड़ी का ये सिंगल प्रोडक्ट लगाने से। 16 इंच के अलॉय नो डाउट अच्छे हैं, बट इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसका लुक देख सकते हैं, और आज जो न्यू प्रोडक्ट हम उसके अंदर लॉन्च कर रहे हैं, फोग लैम्प के बाजू में वी शेप DRLs जैसे हमने एटिगा में लगाई, ये DRLs न्यू ब्रीज़ा के लिए लॉन्च हो चुकी है। एक DRL तो हम ऊपर लगाते ही थे, दूसरी DRL जो फोग लैम्प के अक्रॉस हमने लगाई है, ये दोनों DRLs को जब हम साथ में देखते हैं नाइट लुक इस गाड़ी का देख सकते हैं। खास बात क्या है, ये हेडलाइट चालू होने पे वाइट है, बट एज सून एज यू टर्न ऑन द इंडिकेटर इसका ऑरेंज मोड आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है। गाड़ी का कलर वाइट है, इसका जो साइड का टर्न है, जो कर्व है, उसको ब्लैक कलर के PPF से हमने कोट किया है। रूफ रेल्स हमने लगाई हैं जो गाड़ी के कलर की आती है, द वाइट एंड ब्लैक पियानो रूफ रेल्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स वेंट्स अगर ग्रैंड ब्रेज़ा आप अपग्रेड करते हैं तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री है। डोर वाइज़र है जो मारुति के जेन्युइन है, साइड डोर प्रोटेक्शन मोल्डिंग है, और जो हमारी खास बात है आगे एंड पीछे का GT लाइन बम्पर है। किस तरीके से बम्पर जो हमने लगाया है वाइट कार पे, जब वाइट बम्पर हम लगाते हैं आगे की तरफ, एंड इसी का जो सेट है, जो कॉम्बिनेशन है, हम लगाते हैं पीछे की तरफ। पीछे का जो बम्पर है वो 1, 2, 3, 4 एग्जॉस्ट के साथ है। इस गाड़ी का लुक देख सकते हैं। देखने वाली बात है इसका जो इंटीरियर हमने किया है, वंस अगेन द ब्रेसलेट सीरीज सीट कवर्स ये गाड़ी के अंदर हमने लगाए हैं। The design is inspired from the watch, the bracelet, dark brown यानी कि walnut color आगे, vanilla color पीछे, walnut and vanilla का जो combination ये गाड़ी के अंदर हमने दिया है। इन सीट कवर्स की फिट एंड फिनिश देख सकते हैं। दरवाज़ों में भी हमने लेदर रैपिंग की है जो walnut में vanilla stitch के साथ आती है। आर्म रेस्ट दोनों गाड़ी के बीच में हाथ रखने के लिए नहीं आता है, ये बेस मॉडल है। आर्म रेस्ट मारुति का जेन्युइन लगाया है, उसको वॉलनट एंड वनीला टू टोन में हमने लेदर रैप किया है। किस तरीके से डैशबोर्ड पे जो इंटीरियर स्टाइलिंग किट है वो मेटालिक गोल्ड फिनिश के साथ आती है, पियानो ब्लैक, उसमें गोल्डन टच, उसमें सिल्वर बॉर्डर। कैन जस्ट सी द लुक ऑफ द कार। पूरी गाड़ी का जो इंटीरियर हाईलाइट है इज़ द हिडन एम्बियंट लाइट। इसके डैशबोर्ड पे एंड चारों दरवाज़ों पे जो एम्बियंट लाइट हमने इंटीग्रेट की है, कोई देख के बोल नहीं सकता है कि ये एम्बियंट लाइट बाहर से लगी है। ऐसा लगेगा कि ये ब्रेज़ा में आपको कंपनी ने लगा के दी है। इसका एक अलग ही क्लास है, ये सिल्वर है, इसके साथ ये सिल्वर है, इसके साथ ये इनर हैंडल्स क्रोमियम फिनिश में जो टॉप मॉडल में आते हैं। लुक देख सकते हैं कि गाड़ी में बैठने का जो मज़ा हिडन एम्बियंट लाइट के साथ है आप लोगों के सामने। स्टेयरिंग ऑफ द कार हैज़ बीन चेंज विद द टॉप मॉडल स्टेयरिंग। नेट प्ले कंपनी की स्क्रीन हमने लगाई है जो 10.1 इंच की स्क्रीन आती है। एक एक वीडियो जो इस स्क्रीन के अंदर दिया हुआ है, इट इज़ विद अ 4K वीडियो क्लैरिटी। जस्ट सी द क्लैरिटी ऑफ द वीडियो। क्या खास बात है जो मार्केट के प्लेयर्स में नहीं है? एक तो ऑफलाइन मैप है, यानी बिना इंटरनेट के रास्ता दिखाने का सिस्टम। दूसरा एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले वायरलेस है। तीसरा जो इसकी इसका प्रोसेसर है मेड इन जापान आता है। इक्विलाइजर है, लाउडनेस का बटन आप दबाएंगे, स्पीकर ही वूफर के जैसा बजेंगे। ऑडिसन कंपनी के चारों स्पीकर्स हमने लगाए हैं। रिवर्स कैमरे की जो क्लैरिटी है, 360 डिग्री कैमरा हमने इंटीग्रेट किया है विद द 4 कैमरास। किस तरीके से लेफ्ट राइट रियर
एंड फ्रंट ऑल द फोर व्यूज हैव बीन ऑन वन स्क्रीन। हेडलाइट के जो बल्ब हेलोजन आते थे उनको एलईडी बल्ब में अपग्रेड किया। रोड पे पावर देख सकते हैं कितनी फोकस्ड है, ज़बरदस्त है। ऑजुम कंपनी की जो प्रोजेक्टर फॉग लाइट आती है, जो मोस्ट एक्सपेंसिव फॉग लाइट है दोस्तों, और क्या रिस्पॉन्स आप लोग ने दिया है। ऑजुम की जो फॉग लाइट आती है, प्रोजेक्टर के अंदर प्रोजेक्टर इनबिल्ट है, फॉग लाइट की रोशनी इतनी है कि हेडलाइट चालू करने की ज़रूरत नहीं है। बारिश का टाइम है, मानसून आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं टोटल ऑफ, खाली फॉग लाइट ऑन है। हेडलाइट मैंने अभी बंद रखी है, इसकी रोड पे आप लोग रेंज फोकस विजिबिलिटी देख सकते हैं। हेडलाइट के जो बल्ब आते हैं उसके साथ जब हम फॉग लाइट को देखते हैं, दिस इज़ द पावर ऑफ लाइट ऑन द रोड। स्कफ प्लेट्स हैं, यानी दरवाज़ा खुलने पे ब्रेजा का नाम एंड उसमें इल्यूमिनेशन। टॉप गियर ब्रांड की ही 70 फ्लोर मैट्स हैं, नो नीड टू डू द लेमिनेशन। पाँव इस पे रखना है, कचरा वगैरह जो भी जमा होगा, अपर लेयर इज रिमूवेबल, लेमिनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है ये मैट अगर आप लगाते हैं तो। किस तरीके से ये ब्रेजा जो हमने बनाई है, बहुत दिल से बनाई है, और उतने ही दिल से कस्टमर भी मेरे पास आए हैं। मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोग, और भी लोग हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे पास आइए, बट आप अच्छी चीज़ लगाइए आप अपनी गाड़ी के अंदर, जिस गाड़ी में आपको 5 साल बैठना है। ये चीज़ें बार बार नहीं होती। हेडरेस्ट नहीं आते हैं सर रखने के लिए, किस तरीके से मारुति के जेन्युइन हेडरेस्ट भी हमने इसके अंदर इंटीग्रेट किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेटप्ले कंपनी की स्क्रीन है, ऑडिसन कंपनी के हमारे चारों स्पीकर्स हैं, ये स्पीकर नहीं है, एक तरीके से दरवाज़ों में लगने वाला वूफर है। बेस अलग सुनाई देगा, ट्रेबल अलग सुनाई देगा। द ग्रैंड ब्रीजा आप लोगों के सामने प्रेजेंटेड है। ये ग्रैंड नाम से नहीं है, काम से है। इसके अलॉयस, इसकी DRLs, इसका इंटीरियर, इसका बंपर, मैं बोलता हूँ दोस्तों ZXI प्लस भी आप खड़ा रखेंगे वो भी थोड़ी सी फीकी है। इतना बढ़िया लुक हमने आपकी गाड़ी को दिया। सवाल आपके टायर का, वो मैं लूँगा, आपके टायर में ले रहा हूँ, नए टायर आपको लगा के दे रहा हूँ। एलॉयस का पैसा आपको देना है, टायर का जो मिनिमम डिफरेंस अमाउंट है वो आपको देना है। किस तरीके से ये वीडियो आप लोग ने देखा है, डेफिनेटली इसको लाइक करिए, कमेंट करिए। सर भी हमारे साथ हैं, उनका इंटरव्यू भी आपको देखिए। ग्रैंड ब्रीजा जो हमने बनाई है, ये नाम से ग्रैंड नहीं है, ये काम से ग्रैंड है, क्योंकि इसके जो एलॉयस हैं, इसमें जो DRL आज हमने लॉन्च की है, इसका जो इंटीरियर हमने किया है, साउंड सिस्टम जो हमने लगाया है। अशोक जी हमारे साथ में हैं, बहुत दूर से हमारे पास आए हैं। कहाँ सर रहने के लिए? श्रीवंदा से। श्रीवंदा से आए हुए हैं। एक बोलते हैं ना, पाँव रखने वाली मैटिंग भी कंपनी से नहीं मतलब लगा के आए थे, इतने वीडियोज़ हमारे देख के आए थे। ना रोहित जी, आपकी गाड़ी है, आप इसको अपने स्टाइल से बनाइए, जो मैंने बताया हर चीज़ उन्होंने मतलब उसको बोला है कि आप लगाइए, आपके ऊपर पूरा भरोसा है। हम सर का वेलकम करते हैं एंड उनके सारे परिवार का शुक्रिया करते हैं, बहुत दूर से हमारे पास आए हैं। कैसी गाड़ी सर अपनी आई थी कंपनी से सुबह और शाम को, कैसी बन गई? एकदम नेकेड गाड़ी आई थी, अभी टॉप मॉडल बन के लेके जा रहा हूँ मैं। टॉप मॉडल में हाँ। भी इतने बड़े अलॉयज नहीं है, नहीं है जो हमने हाँ। लगाए हैं। बराबर है सर, बराबर है सर। कैसी होगी सर, DRLs वगैरह कैसी लग रही है? खूब चैन। मैडम कशी वाटली गाड़ी? आतमधून बाहेर एकदम मस्त है। तरी अजून यायला पाहिजे गाड़ी श्रीवर्धन वरून, है कि नहीं? ही गाड़ी जे बघणार ते गाड़ी पाठवणार हो, नक्की नक्की संभव। साउंड सिस्टम कसा बसतोय? एकदम छान वाजतोय। आपली डेमो गाड़ी झाली होती आजची, कामाबद्दल आम्ही समाधानी आहोत। माणूस 10 गाड़ी वाले कोटेशन के लिए आए भाई, हमारा गाड़ी आने वाला है जो है उसमें आवाज सुन के जा रहा था। बराबर है, बराबर है सर, बराबर है। हम शुक्रिया करते हैं और थैंक यू करते हैं हमारी ब्रीजा की जो फैमिली है, ये उसमें एक और फेदर हमने ऐड किया है। ग्रैंड ब्रीजा GT लाइन तो हम रोज बनाते हैं, बट ग्रैंड ब्रीजा अरसों में एक बार बनती है, करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है सर। ये वीडियो को जो देख रहे हैं, डेफिनेटली इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ड्राइव सेफली एंड हैव फन।